हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों का हम बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं आपका बीए फर्स्ट ईयर के होम साइंस गृह विज्ञान के पेपर वन पर। ऑलरेडी हम 8 चैप्टर तक कवर कर चुके हैं, आज हमारा 9वां चैप्टर है। तो इससे पहले की वीडियोज अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज एक बार चैनल पर विजिट करके आप लोग वीडियो जरूर देख लीजिए। ऑलरेडी आप बीए में अगर है ना, चाहे आप फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में, किसी भी ईयर में आपने कोई भी सब्जेक्ट लिया है, ऑलरेडी 1700 वीडियोज अभी तक बन चुकी हैं। लगातार आपको बढ़ती ही जाएंगे सारी वीडियोज के नंबर, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार विजिट करो। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए अवेलेबल है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है आपके घर की आय और व्यय। जैसे कि एक परिवार है उसमें गृह विज्ञान का मतलब केवल खाना बनाना नहीं होता है, एक परिवार को कैसे मैनेज करना है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से आप उसको मैनेज कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी आय क्या है, आय के अनुसार आप व्यय कैसे करते हो। ये सारा कुछ चीज़ें मैटर करती हैं एक परिवार को खुशहाल बनाना, क्योंकि घर का विज्ञान केवल खाने तक सीमित नहीं है, ये सीमित है कि घर की खुशहाली कैसे आएगी, एक घर बेहतर कैसे बनेगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। तो देख सकते हैं इसमें घर की आय और व्यय को समझना है आपको। तो घर की आय को समझने के लिए सबसे पहले जानते हैं कि जो परिवार हो सकता है, एक फैमिली है, अगर उसकी आमदनी है तो वो किस तरीके से आ सकती है, कहाँ से उसके पास आय आ सकता है। आय मतलब कि कौन कोई चीज़ें उसके पास फाइनेंशियल रूप में आ रही हों। तो उसके लिए हो सकता है कि वो व्यक्ति मजदूरी किया हो और उसको उसकी मजदूरी मिली हो, वो कहीं काम कर रहा हो ऑफिस में, उसको वेतन मिला हो, वहां से उसकी आय आ सकती है, या फिर उसने कहीं पर कोई भी चीज दिया हुआ हो, रेंट पर दिया हो, उसको क्या हो रहा हो, ब्याज मिल रहा हो, मतलब किसी पर कहीं इन्वेस्ट किया हो वहां पर उसको क्या हो मिल रहा हो, ब्याज मिल रहा हो। कोई भी चीजें उसके पास है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, मतलब कहीं भी जमीन है, कुछ चीजें उसने किराए पर दे रखा है, वहां से किराया आ रहा है, ये भी हो सकता है एक स्रोत। लाभांश या लाभ आ रहा है कि कहीं पर कुछ चीजें इन्वेस्ट किया हुआ है, उसमें से कुछ पार्ट्स डिविडेंड के रूप में मिल रहा है उसे। अगला चीज है आपको पेंशन मिल रहा है कि आपने कहीं जॉब किया हुआ था, गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है ना, एक जॉब आपकी खत्म हो जाएगी 50% फिर भी आपको पेंशन के रूप में मिलता रहता है। आप काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, आपको बोनस मिल गया, वो भी आपकी आय का एक साधन बन गया। बीमारी या दुर्घटना आपकी कहीं पर हो गई, उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से या आपने कहीं बीमा करवाया था तो उससे जो है बीमारी या दुर्घटना में जो प्राप्त राशि है वो भी आपके लिए एक साधन हो गई। उपहार हो गया, किसी ने गिफ्ट दे दिया आपको कि थोड़ा सा खुश होकर के कुछ दे दिया, तो वो भी आपके लिए एक पैसे का साधन हो गया। आपको किसी चीज़ की रॉयल्टी आ रही है, जैसे किसी ने बुक लिख दिया, बुक जब तक बिकती रहेगी उसके कुछ परसेंट रॉयल्टी क्या होगी, बुक के राइटर को आती रहेगी। उसके बाद आगे आपकी लॉटरी लग गई मान लिया, तो भी आपके पास पैसा आ सकता है। या फिर आपके बाप दादा की जो संपत्ति है, पैतृक संपत्ति, आप किंग बन करके बैठे हुए कि हम तो किंग है भैया, हमारे दादा 50 बीघा, 100 बीघा, 200 बीघा छोड़ के गए हैं, अब हमको क्या करना है, आराम से सारी चीज़ें आती रहेंगी, हम बेच करके खाते रहेंगे, या हमारे दादा ने बहुत बड़ा एम्पायर बना दिया है, अब हम जाएंगे कुर्सी पर बैठेंगे, मौज करेंगे, मस्ती करेंगे, दादा पैसा ला रहे हैं देंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं से ये चीज़ें क्या है, साधन है भाई, आता है, पैसे आते हैं, पैसे इंपॉर्टेंट है घर परिवार को चलाने के लिए, चीज़ इंपॉर्टेंट आ जाती है। तो पैसे तो आ गए, पैसे आने के ये सारे साधन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब पैसे खर्च भी तो होते हैं, तो पैसे जो खर्च होते हैं, जो आते हैं उसको कहते हैं आय, और जो खर्च होता है उसको कहते हैं व्यय। तो परिवार के व्यय कैसे हो सकते हैं, एक फैमिली का व्यय कैसे किस पैटर्न में होता है, तो देखो ये 3 पैटर्न में होता है। एक होता है जो कि निश्चित होता है कि हाँ इतना रुपया तो भैया जाना ही जाना है, ओके। और दूसरा होता है अर्ध निश्चित, कि मतलब कि कभी किसी टाइम पर ये चीज़ें हो सकती हैं। एंड अन्य व्यय होता है कि मतलब हम कुछ चीज़ें अपने शौक से कर सकते हैं। तो इसमें जो आपका निश्चित व्यय हो सकता है कि एक परिवार को खाना खाना है, जरूरी है ना खाना, तो खाने के लिए कितना रुपया एक महीने में लगेगा। मान लिया आपके पास अपना खुद का घर नहीं है, किस कहीं रेंट पर रह रहे हैं, तो मकान का कितना रेंट देंगे। आपको कपड़े का भी पैसा चाहिए, आपके घर में अगर कोई नौकर काम कर रहा है तो उसकी अपनी सैलरी होगी, उसको भी देना है। आपने कोई चीज़ बीमा पर करवा लिया है तो बीमा का भी क्या करना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा कि कितने रुपये का आपने बीमा करवा लिया है। आपने अगर कोई प्रोविडेंट फंड ले लिया है तो वहाँ भी आपको पे करना पड़ेगा। आपके घर में बच्चे हैं, उनका स्कूल फीस है, उनका ट्यूशन फीस है, वो भी आपको पे करना है। मतलब ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको रेगुलर हर मंथ की, मतलब उसको आपको पता होगा कि भोजन पर इतना रुपया खर्च होता है, मकान पर इतना, वस्त्र पर इतना, नौकर इतना लेगा, बीमा पर इतना जाएगा, प्रोविडेंट फंड पर इतना जाएगा, फीस पर इतना जाएगा। मतलब ये चीज़ें क्या है, आपको पता है, निश्चित है कि हाँ इतना रुपया तो मेरा कम से कम, इतना तो मेरा नीड है, इतना तो खर्च होता ही है मेरा, एकदम फिक्स है, निश्चित है कि इतना रुपया, अगर मैं 50,000 कमा रहा हूँ तो 25,000 इसमें जाना ही जाना है, ओके? एंड जो अर्ध निश्चित होता है ना, ये ऐसे टाइम पीरियड है जो कि कभी कभी आ जाते हैं और खर्चे करके चले जाते हैं। जैसे कि कोई फेस्टिवल आ गया, कोई त्यौहार आ गया, अब त्यौहार पर आम तरीके से काम होगा नहीं, त्यौहार आ गया तो उसमें आपको भोजन बनाना है, खाना बनाना है, सभी को नए नए कपड़े चाहिए, कोई घर पर अतिथि आ गया उसका सत्कार करना हो गया। जैसे कि अभी देखोगे, अभी इस समय ईद का मौसम चल रहा है, ऑलरेडी मेरे 20,000 रुपये फालतू खर्चे हो गए,
कपड़े लेने हो गए भाई, कुछ खाना पीने खाने पीने की चीज़ें करनी होगी, 20,000 रुपये खर्च हो गए। तो ऐसे ही होता है कि ये मतलब ये निश्चित नहीं होता है कि हाँ इतना रुपया ही खर्च होगा, इसमें कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, कितना भी रुपया खर्च करते चले जाओ ना उतना खर्च होता चला जाता है। ओके, तो त्यौहार आ गया, भोजन आ गया, वस्त्र आ गया, अतिथि का सत्कार करना हो गया, कोई सामाजिक अवसर पड़ गया, किसी के यहाँ शादी ब्याह पड़ गया, तो शादी जिसके यहाँ है उसके यहाँ तो खर्चा होना ही होना है, उसके यहाँ शादी है उसके लिए हमें अपने घर पे खर्च करना पड़ रहा है, किसी के यहाँ अगर फैमिली में शादी हो गया 50,000 अपने घर से खर्च होना है, अपने कपड़े के लिए, अपने मतलब जाने आने के लिए, मतलब कपड़ा हो गया, जूता हो गया, लड़की है, बहन है, घर में है, उसको क्या है मेकअप का अलग खर्चा, मतलब अलग से किसी के यहाँ शादी ब्याह हो गया आपका 50,000 खर्चा होना है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अर्धनिश्चित होती हैं, ज़रूरी नहीं कि हर समय हर महीने ऐसे ही होता रहे, तो ये कभी कभी आते हैं तो होते रहता है। अन्य व्यय क्या साधन क्या है कि आप ये चीज़ें डिफाइन करती हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटस पर, कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटस कैसी है और आप उसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि मनोरंजन का साधन हो गया, आपको आपको कहीं घूमने जाना है, यात्रा करना है, तभी कर पाएंगे ना जब आपके पास कम से कम जो आपकी बेसिक नीड है वो पूरी हो पाएगी। जब आपकी बेसिक नीड ही पूरी नहीं हो पाएगी आप कहाँ जाओगे घूमने, आप विदेश घूम पाओगे क्या, आपको खाने भर का नहीं हो पा रहा है, आपकी फैमिली अच्छे तरीके से सर्वाइव नहीं कर पा रही है, आप घूमने निकल पाओगे, नहीं निकल पाओगे। तो यात्रा पर खर्चा हो सकता है, कुछ चीज़ें हैं हमें शौक है आभूषण का, कुछ ज्वेलरीज हमें खरीदनी है, ये सारी चीज़ें तभी होती हैं जब हमारी बेसिक नीड पूरी हो चुकी हूँ, ज्वेलरीज की आवश्यकता हो गया, कुछ हमें एक्सपीरियंस करना है, हमें यहाँ जाना है, हमें ये खाना है, ये पीना है, यहाँ हम एक्सप्लोर करने जाएंगे अपनी लाइफ को, तो ये सारी चीज़ें आपके फाइनेंशियल स्टेटस को दिखाती है कि आप किस स्टेटस में हैं, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें अन्य खर्चे आपके होते हैं। तो इस तरीके से एक फैमिली का व्यय का लेखा जोखा रहता है कि कुछ चीज़ें फिक्स्ड होती हैं, कुछ आधा फिक्स होता है, एंड कुछ होता है कि मतलब फिक्स नहीं होता है, आपके पास आगे आपकी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छी हुई फिर ये चीज़ें होती रहती हैं। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में आज समझा कि घर की आय क्या है और उसकी व्यय क्या है, आय के साधन कौन कौन से हैं, व्यय के साधन कौन कौन से हैं, कैसे कैसे कहाँ पर क्या चीज़ें खर्च हो सकती हैं, तो ये सारा कुछ हमने समझा। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करो, पहली बार चैनल पे आए हैं प्लीज विजिट द चैनल, इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।